रमजान का पवित्र महीना समाप्त होने को है। हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में दावत इफ्तार का आयोजन शुरू रोजे से ही किया जा रहा है। इस दावत इफ्तार में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के हुसैनी आलम क्षेत्र में भी दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था, लेकिन ये दावत इफ्तार का आयोजन हिंदू समुदाय द्वारा किया गया था। ये दावत इफ्तार में AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली को भी निमंत्रण दिया गया था। जुल्फिकार अली इस दावत इफ्तार में जैसे ही प्रवेश किए, इनका भव्य स्वागत किया गया और हिंदू समुदाय द्वारा शाल उड़ाई गई और फूल माला भी पहनाई गई। इस समय हिंदू समुदाय ने असदुद्दीन अवैसी का आभार व्यक्त किया, कहा कि असदुद्दीन अवैसी द्वारा जिस प्रकार से विकास और प्रगति करवाई गई है, आज गरीब का जीवन भी इससे बेहतर हुआ है और हर वर्ग के लोग AIMIM पार्टी का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। इसके कारण ही आज हैदराबाद में शांति, प्रेम, भाईचारगी हिंदू और मुसलमानों में देखने को मिल रही है। आज हमने निमंत्रण दिया था विधायक को, हमारे निमंत्रण पर शामिल हुए, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें, हर धर्म शांति का संदेश देता है। उसी प्रकार से हुसैनी आलम क्षेत्र में भी हिंदू समुदाय द्वारा यहां पर शांति का संदेश दिया गया। हिंदू भी उपस्थित थे, मुस्लिम भी उपस्थित थे। सभी रोजे इफ्तार के समय का इंतजार करते हुए एकता के साथ ठहरे नजर आए। ये असदुद्दीन अवैसी के प्रयासों से आज सभी वर्ग एकता के साथ हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में ठहरे नजर आते हैं। ऐसी खूबसूरत तस्वीर भारत में बेहद ही कम देखने को मिलती है त्योहारों के समय। यह हैदराबाद संसदीय क्षेत्र है, यहाँ ओवैसी के लिए हिंदू भी ठहरे रहते हैं, मुस्लिम भी ठहरे रहते हैं, सिख भी ठहरे रहते हैं, ईसाई भी ठहरे रहते हैं। ये एकता बनाने के लिए ओवैसी ने प्रयास किया, विकास और प्रगति करवाई। कभी इस क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच भेदभाव कभी देखने को नहीं मिला। हर वर्ग का त्योहार आता है तो AIMIM के नेता भागे दौड़े चले आते हैं, उनकी पूरी सहायता करते हैं। उसी प्रकार से आज रमजान का पवित्र महीना समाप्त होने को है तो हिंदू समुदाय द्वारा भी दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, मुसलमानों का सम्मान किया जा रहा है। रोजे इफ्तार के समय हिंदू भी मुसलमान के साथ खांदे को खांदा लगाकर ठहरे नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। जो हिंदू और मुसलमान के बीच खाई डालने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी एक तमाचा है। वहीं जुल्फिकार अली रोजा इफ्तार करने के तुरंत बाद दूसरे दावत इफ्तार में प्रवेश किए, जो विधायक यहां पर भी आमंत्रित थे। विधायक जब यहां पर प्रवेश किए तो यहां पर भी हिंदू और मुसलमान में भाईचारगी देखने को मिली। विधायक के साथ भी हिंदू और मुसलमान ठहर कर तस्वीरें लिए। यहाँ पर भी शांति का संदेश दिया जा रहा था। यही है भारत और यही है हैदराबाद। जो खूबसूरत तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है, एक गुलदस्ता दिखता है, सभी वर्ग एकता के साथ ठहरे नजर आते हैं। ये है असदुद्दीन अवैसी का संसदीय क्षेत्र। अगर भारत में कोई भी राज्य में अगर प्रयास किया जाता है खाई डालने का, तो उनके लिए ये एक सीख है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। महीना है दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान, दिल दिल रमजान, जाने नज़ूल कुरान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान।
जब तक है दिल सवाली रहे, हंस में रोजे की वो जाली रहे, दिल मेरा जिक्र से ना खाली रहे। रहमत हक यही महीना है, दिल जो हो जाए वक्फ इश्क रसूल, उस पे होता है रहमतों का नुज़ूल। जान ले जिससे हो गई कोई भूल, रहमत हक यही महीना है। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान। दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। बरकात है सिमटती नहीं जितनी बाट